उधर डस्का में भी योम आशूरा अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इमाम बारगाह हुसैनिया डस्का कला से शबीर जुलजना का जुलूस सख्त सिक्योरिटी में बरामद हुआ, जो अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ अपनी मंजिल की तरफ गामजन है। डस्का से राना मोहम्मद अफजल की रिपोर्ट। मुल्क भर की तरह डस्का शहर और इसके मजाफात में योम अशूरा इंतहाई अकीदत तो एहतराम से मनाया जा रहा है। इस सिलसिला में इमाम बारगाह हुसैनिया डस्का कलां से मरकजी जुलूस जुलजना बरामद हुआ, जो कि मुकर्रर रास्तों से होता हुआ निस्बत रोड पर पहुंचा, जहां पर नमाज जोहरैन अदा की गई। नोहा खानी और सीना को भी करता इस मातमी जुलूस में चौक पसरू रोड पर आका इमाम बारगाह दर इमाम हुसैन से बरामद होने वाला जुलूस भी इस मरकजी जुलूस में शामिल हुआ। मिला चौक में एक बड़े मजल से ऐजा मुनक्कद की गई, जिसमें उलमा और जाकरीन ने आले रसूल पर ढाए जाने वाले मजालम का जिक्र करते हुए शहदा करबला को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया। जुलूस हुसैन में हम सब जो पैगाम दे रहे हैं मिलकर, वो ये दे रहे हैं कि हम पैगाम देते हैं सलामती का, अमन का, सुकून का। खानवादे रसूल की इस अजीम कुर्बानी के इस दिन के मौके पर हमारी तरफ से ये सबसे बड़ा पुरसा है कि आज के माशरती, समाजी, अखलाकी, माशी जिदों के सामने हम हुसैनियत के पैरोकार डट जाएं। कपर मातमी दस्तों ने जंजीर जनी की और यह जुलूस मेन बाजार, सूबेदार बाजार, समड़िया रोड से होता हुआ वापस इमाम बारगाह हुसैनिया में रात 8 बजे इख्तिताम पजीर हो जाएगा। अफजल है कुल जहां से गराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। बस एक पल की थी हुकूमत यजीद की, सदियां हुसैन की हैं, जमाना हुसैन का। राणा मोहम्मद अफजल, रोज न्यूज, डस्का।